बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये मेरा वी लॉग उन यूट्यूबर्स के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक गलत इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि फैला रहे हैं, जिससे याद रखिएगा कि नुकसान हमारे पाकिस्तान, हमारे अदारों का पे होता है। इसका और किसी के ऊपर असर नहीं पड़ता। ये इंतहाई परेशानी वाली बात भी है कि झूठ पे झूठ ऐसे बोला जाता है जैसे कि हर चीज इन वी लॉगर से पूछ के की जाती है। खबर अगर है, अगर इंफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन जो एक पब्लिक के लिए हो सकती है वो दी जानी चाहिए। अगर पब्लिक को ऐसी चीज दी जाए जिसमें सस्पेंस हो, मसाला जात हो, तो डेफिनेटली वो एक अट्रैक्शन बन जाती है। मुझे अफसोस ये भी होता है कि बहुत सारे लोग इस किस्म की चटपटी किस्म की जो खबरें हैं उनकी तरफ भागते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सस्पेंस है, उसको देखो सुनो। और फिर बात ये होती है कि फिर वो अपना नेगेटिव इंपैक्ट उनके अंदर मजीद एक क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बात यह कि अगर एक शख्स गलत है तो उसका नाम लेके बताया जाए कि हाँ ये शख्स गलत है और इसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, या इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, या इसके खिलाफ अगर वो आर्मी का बंदा है तो आर्मी चीफ को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यानी कि इस किस्म की अगर बात हो दैट इज डेफिनेटली ओके। अब बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जिसको कहते हैं कि पर्सनल चीजें जरूर होती हैं, लेकिन वो उन चीजों का असर अदारों पे पड़ता है, उन चीजों का असर हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी पे पड़ता है, और वो असर जो है बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। और ये मैं उन वी लॉगर्स को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि खुदा के लिए आप अपना वी लॉग बनाने से पहले डेफिनेटली उसको एक दफा नहीं, हजार दफा सोचिए, लिखिए, उसके बाद देखिए कि इसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। क्या ये हमारे पाकिस्तान के लिए, जहां पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो आज भी मुर्दा भुट्टो को जिंदा समझते हैं, या गधे को वो शेर समझते हैं, या एक मुनाफे को वो मौलवी समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस किस्म की खबरें ना दिया करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो मौजूदा इकोनॉमिकली कंडीशन जो है हमारी, ये मजीद रिजल्ट जो है वो नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं। मैंने खुद अपने वी लॉग जब बनाता हूं, मैं अपने वी लॉग खुद सोचता हूं, अक्सर मुझसे भी गलती हो जाती है। ये मैं नहीं कहता कि मैं कोई फरिश्ता हूं और मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन जब गलती हो जाए, अगर आपको पता चल जाए कि आपसे गलती होती है, तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हो। उसको करेक्ट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं कि अपने ही वी लॉग के अंदर आप कह सकते हो कि हाँ यार, ये मैं फला वक्त में ये बात कही थी, और उसके बाद जब मैंने उसको चेक किया, उसके ये चीजें थी और वो गलत बातें थी जो कि नहीं होनी चाहिए। हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, हम अपने अदारों से प्यार करते हैं, वो कोई भी अदारा हो। सबसे पहला अदारा है हमारा पाकिस्तान आर्मी, दूसरा जुडिशरी, तीसरा FIA, IP, टैक्स, तमाम। यानी कि कहने का मतलब ये सारे हमारे अदारे हैं। अदारे कभी खराब नहीं होते। खराब क्या होता है? पर्सन। मैं हूं, मैं अकेला हूं ना, पर्सन हूं, मैं खराब हो सकता हूं, मेरा घर वो खराब नहीं हो सकता। ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को बड़ा गौर चाहिए, गौर तलब बातें होती हैं। जब भी कोई भी आप वीलॉग बनाओ, उसके ऊपर सोचो कि क्या हम अपने ही अदारों को तबाह बर्बाद तो नहीं कर रहे। अभी देखिए, मैं ओपनली बात करता हूं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो खराब हो चुका है। जुडिशियल सिस्टम, मैं अदारा नहीं कह रहा, सिस्टम, वो खराब हो चुका है। इसमें कोई शक है? नहीं, खराब कोई शक नहीं है। अभी इसी तरह मैं जनरल कमर जुनैद बाजवा को नाम लेके पहले दिन से बोल रहा था कि वो गद्दार है, आज भी बोलता हूं वो गद्दार है। मैंने इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 एप्लीकेशन भेजी, 3, जिनका एक भी जवाब नहीं आया।
अब बात यह है कि जब आपको इस किस्म की जो चीजें होती हैं कि जब आप आपको पता चलता है कोई इन्फॉर्मेशन, कंफर्म इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो डेफिनेटली एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए वेटरन ऑफ पाकिस्तान, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, स्पेशली जो जुडिशरी है, उसको बताऊं कि इस शख्स के खिलाफ इमीडिएटली एक्शन दरकार है। क्यों? वो इस वक्त हमारे अदारे का सरबराह बना पड़ा है, लेकिन वो अपने आप को पूरे पाकिस्तान का वो बाप समझता है, हालांकि वो एक अदारे का सरबराह है जो कि डिफेंस सेक्टरी के नीचे आना आता है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस क्योंकि करप्ट लोग हैं और वो हमेशा पावरफुल लोगों को वो साथ लेके चलते हैं, तो जब वो इतने लगते हैं तो ये फिर ये फूल फूल के वो एक मेंढक होता है ना, जिसको अपने वो गुब्बारा बना लेता है, तो ये समझते हैं नौज बिल्ला हम खुदा बन गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, बात यह कि इन के खिलाफ अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर हमारा क्या जस्टिस सिस्टम रह जाएगा? फिर डेफिनेटली लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन इस गुस्सा निकालने के साथ साथ तहमल मिजाजी की भी जरूरत है। मैं भी गुस्सा निकालता होता हूं, लेकिन तहमल मिजाजी क्या है कि लोगों को यह बताया जाए कि ये अकेला शख्स जो है इसने गद्दारी की है, मेरे अदारा या मेरे सारे लोगों ने नहीं की। जैसे भी मैंने आज जो अपना लाइव स्ट्रीमिंग की थी, लाइव वीलॉग किया था, उसके अंदर यही मैंने बोला था, लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए ये जो जवान फौज का कोई जा रहा है या ऑफिसर को जा रहा है, लोग उसकी तरफ नफरत की तरफ से देखते हैं, अल्लाह माफ कर उसको, उसको गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, ये मत कीजिए। एक बाजवा की वजह से वो तो बड़ी सिक्योरिटी इंजॉय कर रहा है आज भी, उसको तो आप नहीं पहुंच पाते। गद्दारी उसने की है, हरामजदगी उसने की है, रजीम चेंज करने में उसका हाथ है, ये करप्ट माफिया को छोड़ने का उसका हाथ है, लेकिन वो जो जवान है उनका हाथ नहीं है। तो इस तरह की जो बात हम वीलॉग बनाते वक्त इस तरह की बात करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस मिलती है। क्या हुआ? आपने वो जो मकसद आपका था कि जिसको आपने बोलना था वो आपने बोल दिया, लेकिन साथ अपने लोगों को भी बोल दिया कि खुदारा अदारे से मत नफरत कीजिए, खुदारा हर शख्स जो उस अदारे का उससे मत नफरत कीजिए। अभी पुलिस का अदारा है या FIA का अदारा, IAI का अदारा, किसी कोई भी अदारा, वो हमारे अदारे हैं और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। लेकिन आप हर एक को करप्ट नहीं कह सकते, आप हर एक को चोर नहीं कह सकते, जब तक आपको उसकी एविडेंस ना हो। अब बात ये, मैंने बोला जनरल कमरजोत बाजवा गद्दार है, डेफिनेटली मैंने पहली वीलॉग में उसको गद्दार नहीं बोला, जब मैंने इंक्वायरी की फिर पता चला कि हां, और मैं वो शख्स हूं जब तक मेरे हाथ में इन रियलिटी में कोई सबूत ना आए मैं नहीं कभी बोलता। तो जनरल कमर जवेद बाजवा के लिए के बारे में मेरे पास 100% कंफर्म मेरे पास एविडेंस है कि वो गद्दार भी है, वो कातिल भी है, वो चोर भी है, वो बदकरदार भी है, हर किस्म का उसके अंदर ऐब है, और सबसे बड़ी बात, ही हैज डिस्ग्रेस्ड माय इंस्टीट्यूशन, ही हैज डिस्ग्रेस्ड पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूशन, ही हैज डिस्ग्रेस्ड द स्टेटस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लर्न द डिग्निटी ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता बहुत रेस्पेक्टेबल है, लेकिन इस बंदे ने उसको डिस्ग्रेस किया। तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं, देखिए मैं साथ साथ वीलॉग आपके साथ कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि जो हकीकत है वो बयान होनी चाहिए, और वो जो हकीकत नहीं है उसको मसाला लगा के, नमक लगा के, हल्दी लगा के आप जब पेश करेंगे तो लोग तो डेफिनेटली भागेंगे, वो भागे हुए आएंगे, वाह जी वाह क्या बात है आज की वीलॉग को देखने, लेकिन ये नहीं पता कि इसके अंदर झूठ कितना है, ये नहीं पता कि इसके अंदर कितनी फैब्रिकेशन कितनी की गई है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम वीलॉगर से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए जज्बाती भी होते हैं तो कम अज कम सोच लिया करें कि आप बोल क्या रहे हो। ऐसा ना बोलें कि जो हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे अदारों के लिए वो अच्छा ना हो। अभी आपका आर्मी चीफ भी चेंज हो चुका है, अभी तो हमारे जनरल आसिम मुनीर हैं, तो खुदा के लिए अब हम उस चीज को छोड़ दें, लेट जनरल आसिम मुनीर टू हैंडल दिस केसेस, और इंशाल्लाह ताला वो मुझे कंफर्म है कि इंशाल्लाह ताला ही विल डू हिज जॉब टू द बेस्ट कैपेबिलिटी ही हैज बीन यूजिंग ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस, दैट्स व्हाई ही क्रॉस एवरी पर्सन ऑफ PMA का कूल और ला ब्ला ब्ला।
इज हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग गाय। तो लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज पे गौर कीजिएगा जो मैंने बात की है, ये हमारे सबके लिए बेहतरी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।